लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ मैं साक्षी। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। सागर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी की विशेष टीम ने सागर शहर के एक और जुए की फड़ पर मारा छापा। पुलिस ने 14 जुआरियों को जुआ खेलते हुए किया गिरफ्तार। देवरी कला के खेरी गांव के एक स्टॉप डैम में मिली युवक की सड़ी गली लाश, पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी। भिलट देव मंदिर में नागपंचमी पर्व पर लगने वाले ऐतिहासिक मेले को लेकर किया बैठक का आयोजन। बैठक में यातायात पुलिस विभाग और ग्राम रक्षा समिति के सदस्य रहे मौजूद। सागर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी की विशेष टीम ने सागर में एक और जुए की फड़ पर छापा मारते हुए 14 जुआरियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस को गोपालगंज क्षेत्र में आने वाले मेडिकल कॉलेज के सामने अशोक विहार कॉलोनी में जुआ खिलाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके से 14 जुआरियों को गिरफ्तार कर 60,130 रुपए नकद, 17 मोबाइल, ताश की गड्डी, 2 फोर व्हीलर और 2 मोटरसाइकिल जब्त की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी लंबे समय से क्षेत्र में जुए सट्टे का अवैध धंधा चला रहे थे। यहां बड़े स्तर पर जुआ खेला जा रहा था। आरोपियों के तार कई राजनीतिक रसूखदारों से भी जुड़े हुए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद थाने में देर रात तक आरोपियों को छुड़ाने के लिए कई रसूखदार पहुंचते रहे। सागर से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे एसपी सर द्वारा लगातार गतिविधियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य है आज सर ने विशेष टीम बना करके इसमें गोपालगंज थाना अंतर्गत बीएमसी जो मेडिकल कॉलेज के सामने अशोक विहार में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि वहाँ पे कुछ लोग जुआ खिलवा रहे हैं। इसमें सर ने टीम बना के प्रोबेशनर डीएसपी पीयूष मिश्रा और उनके साथ टीम ने वहाँ पे दबिश की कार्रवाई करी। कार्रवाई में करीब 60,150 रुपये वहाँ मिला है। साथ में 17 करीब मोबाइल हैं, इसमें 14 आरोपी हैं, 2 फोर व्हीलर है और 2 टू व्हीलर है जिसको जुए के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर ये कोई नामचीन मतलब ये पहले कितने समय से खिलवा रहे थे थाने के पास में? अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, अभी इनसे सब पूछताछ की जा रही है। संभवतः कुछ ही दिन पूर्व इन्होंने स्टार्ट किया होगा और जैसे इन्फॉर्मेशन आई इसमें इमीडिएट हमने कार्रवाई की। सर शराब कारोबारी का भी नाम आ रहा है, इसमें कोई ऐसा कोई मुखिया भी पकड़ा गया? अभी बहुत पूछताछ नहीं हो पाई है आरोपियों को, अभी ये सब टीम ने थाना लेकर के आए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उन सभी पे कार्रवाई की जा रही है। देवरी कला के खेरी गांव के पास बने एक स्टॉप डैम में एक युवक की सड़ी गली अवस्था में पानी में अर्धनग्न लाश मिली। लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम खेरी के पास बने एक स्टॉप डैम की है। लाश मिलने की सूचना पर देवरी पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए देवरी भेजा। फॉरेंसिक डॉक्टर पंकज पाटीदार ने बताया कि लाश करीब 2 या 3 दिन पुरानी है और कहीं भी चोट के निशान नहीं मिले हैं। प्रथम दृष्टया युवक की मौत पानी में डूबने से होना पता चली है। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। एक देवरी कस्बा से सुक्षेन नदी निकली है जो पूर्व दिशा की ओर बहते हुए जाती है। बिना बारा रोड पे ग्राम खेरी है, यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। वहाँ पे एक स्टॉप डैम बना है। बरसात के तेज बहाव से डैम के नीचे एक अज्ञात पुरुष करीबन उम्र 35 साल के लगभग है। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि पानी में डूबने के कारण उसकी मृत्यु हुई है और पंचनामा कार्रवाई के दौरान उसके जेब से 105 रुपये की चिल्लर मिली है। सिक्के हैं 1-1 और 2-2 के और 5-5 के सिक्के। मर्ग पंचनामा कार्रवाई कर पीएम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि वस्तुतः मृत्यु का कारण क्या। ऐसा लगता है कि चोट वगैरह हो और हत्या की संभावना है? शव निरीक्षण के दौरान उसके शरीर पर बाहरी किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पाई गई है। शनाख्ति के कोई प्रयास? शिनाख्ति के उनके शर्ट पैंट और अंडरवेयर और उसके जेब में जिस तरह से 105 रुपये सिक्के मिले हैं वही एकमात्र है। इसके सिवा उसके टू मार के और कोई पहचान चिन्ह या कोई
निमाड़ के प्रसिद्ध भीलट देव मंदिर में नागपंचमी पर्व पर लगने वाले ऐतिहासिक मेले में यातायात और सुरक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस विभाग ने ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों का सम्मेलन नांगलवाड़ी थाना परिसर में किया गया। सम्मेलन को सेंधवा SDOP तरुणेंद्र सिंह बघेल ने संबोधित करते हुए ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों के कर्तव्य और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी। थाना प्रभारी मजहर खान ने ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को टी शर्ट का वितरण किया। नागपंचमी के दिन लगने वाले इस मेले में अन्य प्रांतों से भी सैकड़ों की संख्या में भक्त एक दिन पूर्व से ही आने लगते हैं। इस ऐतिहासिक पर्व पर नगर के सभी समाजजनों द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए अपने अपने घरों पर उनके रुकने की व्यवस्था भी की जाती है। पूरे क्षेत्र में इस पर्व को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। खरगोन से सलाम अंसारी की रिपोर्ट। नागलवाड़ी में 4-5-6 तारीख को मेला है, उसमें कम से कम 6-7 लाख लोग आने की संभावना है। उसको दृष्टिगत रखते हुए ग्राम सुरक्षा समिति की मीटिंग बैठक में क्या हुआ सर जी? बैठक में क्या क्या मुद्दे विचार विमर्श? बैठक में ग्राम सुरक्षा समिति के संबंध में ही मुद्दे आए और कुछ ट्रैफिक की व्यवस्था आई, कुछ पार्किंग की व्यवस्था आई, उसके संबंध में उस पर क्या निर्णय लिया गया? निर्णय पॉजिटिव निर्णय लिया गया कि जहाँ पर नगर सुरक्षा समिति के सदस्य उपयोगी होंगे उनको लगाया जाएगा, जहाँ पुलिस की हो पुलिस। सतना जिले कलेक्टर के नाम पर सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। फेसबुक पर कलेक्टर का नाम और पद का इस्तेमाल कर हैकर लोगों से अपने खाते में पैसा ट्रांसफर करने का दबाव बनाकर लोगों के साथ ठगी कर रहा था। जिला कलेक्टर ने सोशल मीडिया में ऐसे ठगों से सावधान रहने की अपील की और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कलेक्टर सतना सत्येंद्र सिंह के नाम एक फेक फेसबुक आईडी बनाकर लोगों के साथ ठगी का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से ठगी को अंजाम दे रहा था। जिला कलेक्टर सत्येंद्र सिंह छतरपुर में CEO के पद पर और बुरहानपुर में जिला कलेक्टर के पद पर थे। हैकर उन्हीं जिले के लोगों को जाल में फंसाकर अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाता था। इस बात की जानकारी सतना कलेक्टर को तब हुई जब कुछ परिचितों ने फोन पर पैसे की जरूरत की वजह जाननी चाही। ऐसे में इस घटना की जानकारी सत्येंद्र सिंह को हुई। कलेक्टर सतना ने बिना समय गवाए मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और हैकर के आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर के आधार पर नाम पता खोज निकाला। हैकर झारखंड के जमशेदपुर से ठगी को अंजाम दे रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। किसी अज्ञात द्वारा जिलाधीश महोदय की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से पैसे की डिमांड की है। अभी हमारे साइबर टीम को इसकी जांच दी गई है और तत्काल जो फर्जी फेसबुक आईडी उसको बंद करा दिया गया है। इसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है क्या है, कौन है इसमें इन्वॉल्व। फेसबुक आईडी बनाकर उन्होंने जिलाधीश महोदय के नाम से उन्होंने फर्जी फेसबुक आईडी बनाई है किसी अज्ञात व्यक्ति ने और वो लोगों से पैसे की डिमांड कर रहा है कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है, मुझे पैसा की ज़रूरत है। इसका इस तरीके से लोगों से पैसे की डिमांड की, अपना अकाउंट नंबर दिया है उसमें, तो अकाउंट नंबर किसका है इसकी जांच की जा रही है और उन तक पहुंचा जा रहा है। ये खुलासा कैसे हुआ कि ये ऐसा फर्जी वाला हो रहा है? जिन व्यक्तियों से डिमांड की है उन्होंने शायद जिलाधीश महोदय को इस बात की जानकारी दी होगी और उनके द्वारा मुझे बताया गया है कि इस तरीके से मेरे नाम से कोई फर्जी फेसबुक आईडी चला रहा है, तो जिस पर से हमारे द्वारा तत्काल उसमें कार्रवाई की गई। क्या अभी इसमें हमारी साइबर सेल को दिया गया है, वो इसका पता लगा रहे हैं कि कहाँ से जनरेट हुई है, तब उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह मुझे लगभग 5:45 बजे मेरे एक मित्र का ग्वालियर से फ़ोन आया कि मेरे फेसबुक मैसेंजर का दुरुपयोग करके और कुछ लोगों से पैसे डलवाने के लिए कहा जा रहा है और उन्होंने मुझे कुछ व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भी भेजे। सुबह मैंने 6:03 पर जो SLSP हैं सतना उनको मैंने फ़ोन करके बोला और उनको व्हाट्सएप के जो स्क्रीनशॉट थे वो भी मैंने भेजा और उनको बोला कि इस पर साइबर सेल को वो करके कार्रवाई की जाए। उसके बाद फिर मैंने अपने फेसबुक जो मेरी ओरिजिनल वो थी उससे मैंने एक मैसेज सबको किया अपने फ्रेंड्स को कि इस तरह से किसी ने फेक आईडी बनाई है और किसी तरह से आप कोई उनको जो है ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे और ताकि कोई उनके जाल में नहीं फंसे। उसके बाद मैंने फिर पुलिस अधीक्षक से बात की, उनको मैंने बताया, साइबर सेल के लोगों को बुलाया, बैंक के लोगों को बुलाया और उस पर जो इन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया हुआ था उस पर इन्होंने बैंक अकाउंट नंबर भी दिया हुआ था,
तो एक इंडियन बैंक का और एक पीएनबी का अकाउंट नंबर दिया था, दोनों अकाउंट नंबर ट्रेस हो चुके हैं, एक ही व्यक्ति के हैं। और ये पुष्पाकर आर्या करके एक सज्जन हैं जो जिन्होंने वहाँ पर जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम जिले के हैं और झारखंड के, जिन्होंने जिनका पैन नंबर और आधार नंबर वगैरह सब ट्रेस हो चुका है, हमारे यहाँ के मैंने अपने पुलिस अधीक्षक को FIR करके कार्रवाई करने के लिए कहा है। फिर मैंने अभी जमशेदपुर के SSP से भी बात की है और उनको उन्होंने कहा है कि आप हमको डिटेल भेज दीजिए, वो पूरी कार्रवाई करेंगे। हमारे जो जितेंद्र सिंह हैं मेरे मित्र, उन्होंने 20,000 रुपये का ट्रांजेक्शन किया है, बाकी किसी के द्वारा ट्रांजेक्शन करने की कोई सूचना मिली नहीं है। तो चूँकि बैंक से सारा डिटेल आ चुका है, निश्चित रूप से ये इस तरह से जो लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को ठगने का या लोगों को के मिसयूज करने का जो उनके वो है और इस तरह से पैसे उगाहने का जो काम चल रहा है, इसके लिए सख्ती से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो झारखंड के SSP और साथ में हमारे ज़िले के पुलिस अधीक्षक, दो लोगों को ये सारी सूचना दी जा रही है और पूरा सारा डिटेल उनको बैंक का और सारा जो बाकी फेसबुक के सारे प्रिंट आउट हैं वो हम उनको दे रहे हैं। और साइबर सेल और बाकी जो पुलिस है वो आगे का अपना काम करेगी ताकि आगे किसी के साथ इस तरह की घटना नहीं हो और जिस तरह के जो लोग इस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं उनको एक सबक भी मिल सके। महेश्वर सहित हरियाली अमावस्या पर क्षेत्र के नर्मदा तटीय स्थलों पर श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य कर नर्मदा में दीपदान किया। श्रद्धालुओं का अल सुबह से नर्मदा तटीय घाटों पर पहुँचना आरम्भ हो गया था। गुरुवार को हरियाली अमावस्या के अवसर पर कई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने पूजा अर्चना की। अमावस्या के मौके पर क्षेत्र की नर्मदा नदी घाट में बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंचे। नर्मदा नदी पर सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया जो शाम तक जारी रहा। इस दौरान लोगों ने विशेष पूजा पाठ की। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए News 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।